नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने इस कीबोर्ड के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट कॉर्ड, अगला कॉर्ड ए मेजर। तो ए मेजर कॉर्ड में कौन कौन से तीन नोट होने वाले हैं वो आप देखेंगे, इन्वर्जन्स एंड स्केल के नोट, आरओ अबरो के नोट कौन से बनेंगे, किस तरीके से लेफ्ट राइट फिंगर के साथ प्ले करेंगे एंड आरपीजीओ, लेफ्ट राइट आरपीजीओ का हम प्रैक्टिस फिंगरिंग कैसे बनाएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखते हैं कि ए मेजर कॉर्ड में जो तीन नोट होते हैं फर्स्ट, वो तीन नोट कौन से हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, जिस नाम का जो कॉर्ड होता है उसी नाम का लेटर फर्स्ट होता है, तो ए मेजर मींस ए नोट, सेकंड नोट सी शार्प एंड थर्ड नोट ई। तो ए सी शार्प ई, ये तीन नोट लेके हम बना लेते हैं ए मेजर कॉर्ड। ये हो गया लेफ्ट हैंड से। सेम अब हम लेंगे राइट हैंड से, ए सी शार्प ई, ये भी तीन नोट एक साथ। तो हमने दोनों हाथ से ये ए मेजर कॉर्ड पकड़ लिया। तो एक बात ध्यान रखें, जब हम कोई कॉर्ड बजाते हैं तो कॉर्ड का मतलब है तीनों नोट एक साथ आना, अलग अलग नहीं। ऐसा लगना चाहिए जैसे कि एक ही नोट हम बजा रहे हैं। देखिए, बहुत ही सॉफ्ट, एकदम जोर से फोर्स नहीं करना है, आराम से। तो ये हो गया प्रॉपर कॉर्ड ए मेजर। अब इन्वर्जन, ए नोट आगे शिफ्ट हो जाएगा तो पहला नोट सी शार्प ई ए शार्प, यहां से ले लेते हैं हम सेम नोट सी शार्प ई ए शार्प ए ए। देखिए फर्स्ट इन्वर्जन ऐसे ही यहां पर आ जाएगा सी शार्प ई ए, देखिए फर्स्ट इन्वर्जन। अब सेकंड इन्वर्जन सी शार्प नोट आगे शिफ्ट हो जाएगा तो फर्स्ट नोट ई ए सी शार्प, लेफ्ट हैंड ऐसे ही यहां पर सी शार्प आगे शिफ्ट हो गया तो ई ए सी शार्प। ये देखिए, ये हो गया सेकंड इन्वर्जन, प्रॉपर कॉर्ड ए मेजर, फर्स्ट इन्वर्जन एंड सेकंड इन्वर्जन। तो आपने ये देखा कॉर्ड एक ही होता है, ये ए मेजर है, तो ये दोनों भी इन्वर्जन भी कॉर्ड वही है, बस नोट आगे शिफ्ट हो जाता है तो साउंडिंग थोड़ा सा अलग हो जाता है, बस और कुछ नहीं। बाकी का कॉर्ड हम अलग अलग तरीके से पकड़ के यूज कर सकते हैं, और फिंगर भी मैं बता चुका हूँ वही फिंगर इसमें रहेंगे, 531 लेफ्ट 135 या 421 124 लेफ्ट हैंड। ओके, अब देख लेते हैं स्केल के नोट क्या है इसके। तो देखिए स्केल आरओ अबरो के नोट, आरओ मीन्स अप, अबरो मीन्स डाउन। तो फर्स्ट नोट ए बी सी शार्प डी ई एफ शार्प डी शार्प ए, ये हो गया एक ऑक्टेव में एक सप्तक। तो अब देखिए फिंगर के साथ कैसे लेंगे, ए वन बी टू सी शार्प थ्री एंड डी पर फिर वन शिफ्ट हो जाएगा, ई पे टू एफ शार्प पे थ्री जी शार्प पे फोर ए पर फाइव। अब देख लेते हैं बजा के, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव, डाउन भी ऐसे आ जाएगा फाइव फोर थ्री टू वन थ्री टू वन। ये हो गया एक ऑक्टिव। अब हम इसको पूरे कीबोर्ड में बजाएंगे यहां से लेके यहां तक। तो देखिए कैसे शिफ्ट करेंगे आगे, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर, फोर फिंगर यानी कि जी शार्प नोट आते ही फाइव की जगह फिर से वन ले लेंगे ए नोट वन, तो यहां से कंटिन्यू हो जाएगा फिर वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव। सेम बैक ले लेंगे फाइव फोर थ्री टू वन, डी आते ही वन फिर थ्री सी शार्प टू वन, ए वन होते ही फोर, ये आ जाएगा जी शार्प फोर थ्री टू वन थ्री टू वन फोर थ्री टू वन थ्री
ठीक है, आपने देखा। अब एक बार ऐसे रैंडमली स्पीड में बजा लेते हैं, कैसा लगेगा। ये हो गया राइट हैंड। अब लेफ्ट हैंड देख लेते हैं, ए से ए तक पहले एक ऑक्टेव में, फाइव से स्टार्ट करेंगे, फाइव फोर थ्री टू वन। ई नोट पे वन आते ही एफ शार्प पे थर्ड फिंगर, थ्री टू वन। बैक जाएंगे तो सेम, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव। अब हम आगे तक जाएंगे तो वैसे ही शिफ्ट करेंगे, देखिए, फाइव फोर थ्री टू वन, थ्री टू वन। वन के बाद फिर यहाँ पर हम फोर फिंगर शिफ्ट कर लेंगे, यानी कि देखिए यहाँ पर फाइव फोर वन फोर, फोर थ्री टू वन, थ्री टू वन। फिर भी आ गया फोर फोर थ्री टू वन, थ्री टू वन। अभी हम यहीं से रिटर्न ले लेते हैं बैक, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर वन। फोर के बाद ए नोट आ गया, वन टू थ्री, फिर ई, वन टू थ्री फोर बी, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव। अब इसको भी बजा के देख लेते हैं कंटिन्यू। तो ये हो गया पूरे कीबोर्ड में लेफ्ट एंड राइट एंड आरओ अबरो स्केल नोट। अब देख लेते हैं इसका आरपीजीओ, आरपीजीओ कैसे बजाएंगे। ये होता है फिंगरिंग के लिए, तो देख लेते हैं, पहले मैं बजा कर देख लेता हूँ, फिर आपको बता देता हूँ मैं। ये देखा आपने, अब मैं बताता हूँ कौन से नोट है ये, ए सी शार्प ए, ई ए, ई सी शार्प ए, सी शार्प, ऐसे राइट हैंड, ए सी शार्प ई ए, ई सी शार्प ए, सी शार्प, लेफ्ट राइट। आप देख लेते हैं, फिंगरिंग फाइव लेफ्ट हैंड, फाइव थ्री टू वन, टू थ्री फाइव थ्री राइट हैंड, वन टू थ्री फाइव, थ्री टू वन टू। तो ये हो गया आरपीजीओ, जिससे आप फिंगरिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, और हाँ, अगर कोई भी सॉन्ग का या म्यूजिक का, कीबोर्ड का, सिंगिंग का, अलंकार, जो भी जिसकी रिक्वायरमेंट है, जिनको ज़रूरत है, तो मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो मैं उसका वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, और उसमें से आप देख के फिर सीख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।